बिहार से शुरू हुई हिंसा की आग ने देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। धीरे धीरे ये आग फैलती जा रही है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एक योजना जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक आग लगा दी है। 13 राज्यों में प्रदर्शन जारी है, कहीं ट्रेनें जलाई जा रही हैं, कहीं बसों में आग लगाई जा रही है। आज एक बार फिर यूपी के अलग अलग जिलों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई। जौनपुर में आज दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। बदलापुर और लाला बाजार में प्रदर्शन उग्र हो गया। उपद्रवियों ने बस को आग के हवाले कर दिया। यूपी का मिर्जापुर भी हिंसा की आग में झुलसा। रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बस में तोड़फोड़ की। हम लोग तो नीचे बैठ गए, इन लोग बुलडोजर और पत्थर मारना और डंडे शुरू कर दिए। तब प्रशासन साथ दिया हम लोग का, प्रशासन की वजह से हम लोग का बचाव। कितने बच्चे थे? अरे कम से कम 50 से ऊपर थे। क्या हुआ? आप जा रहे थे? आए थे, मैं दिखा कि सब लड़के दौड़ के आ रहे थे और इतना बड़ा पत्थर मारा है हमको, यहाँ लगा है और जब तक पुलिस पीछे आई है तब तक तोड़ फोड़ के दौड़ाए थे तो भाग गए अपना। बंगाल में भी अलग अलग हिस्सों में अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। कोलकाता में छात्र संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पंजाब के लुधियाना में अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। यहां रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई, जहां सीसीटीवी में तोड़फोड़ के बीच यात्री भागते नजर आए। बाद में पुलिस एक्शन में आई, उपद्रवियों की धरपकड़ की गई। वहीं स्टेशन पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती भी हुई। आज तक ब्यूरो।